हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन कॉलेज काउंसलर। हम यहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं कॉलेज सेलेक्ट करने में। इस वीडियो में आज हम ऐसे ही एक कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके पॉन्स एंड कॉन्स के बारे में। वीडियो के एंड में हम कॉलेज की रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 50 फॉर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ये रेटिंग थोड़ी बहुत इंटरनेट रिसर्च, मीडिया एक्सपीरियंस एंड स्टूडेंट फीडबैक से लिया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस, यहां पे हम हर तरीके के कॉलेज को कवर करने वाले हैं। अगर आपने साइंस कर रखा है, अगर आपने कॉमर्स कर रखा है, या अगर आप यूजी पीजी में इंटरेस्टेड हो, इस तरीके के कॉलेजेस आप ढूंढ रहे हो, उस कॉलेज को भी हम यहां पे रिव्यू करने वाले हैं। आप भी अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इस लिंक पे क्लिक कर आप अपने कॉलेज का फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि आने वाले जो हमारे न्यू जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके। रिव्यू ईयर 2020। तो गाइस, 2020 में मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ। हो सकता है एक दो साल बाद कॉलेज की इम्प्रूवमेंट हो जाए या कॉलेज और खराब हो जाए, इसके हम कुछ कह नहीं सकते। बट मैं कोशिश करूंगा, जैसे ये कुछ वीडियोस के कुछ चीजें नहीं आती हैं तो मैं आपके साथ अपडेट करूं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन क्लिक कर लेना है ताकि जो भी नया अपडेट आए आप तक सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज हम सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको शॉर्ट में SUAS इंदौर भी नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश स्टेट इंदौर सिटी का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और कहा जाए तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो जनरली सिम्बोसिस एक बहुत बड़ा नाम और एक कहा जाए तो एक ब्रांड है, इन द सेंस कि सिम्बोसिस पुणे जो है काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी माना जाता है, कॉलेज माना जाता है। तो इंदौर में भी इसका जस्ट ये ब्रांच है। सो इसकी एड्रेस की बात करें तो सुपर कॉरिडोर नियर एयरपोर्ट बादा बंगड़ा बंगड़ा इंदौर मध्य प्रदेश 453112 इसका एड्रेस है। फ़ोन नंबर भी दे रखा गया है, आप एडमिशन से रिलेटेड इंक्वायरी करना चाहते हो तो कॉल करके पूछ सकते हो। बट रिव्यू तो कम्प्लीट कर लो पहले मेरे यार। सो आगे हम बात करने वाले हैं, कॉलेज की गैलरीज देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी है, जितनी भी है काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है कॉलेज को। आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतरीन है कॉलेज को, ठीक कॉलेज का। ठीक करने वाले हैं कॉलेज टाइप के बारे में। तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जनरली सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2016 में इंदौर में 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था ये कॉलेज। और आप देख सकते हो कहा जाता है इट ऑफर्स शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड कोर्सेज एज वेल एज डिग्री प्रोग्राम इन हाई ग्रोथ सेक्टर ऑफ CSIT, ऑटोमोबाइल, मैकेट्रॉनिक्स, रिटेल, BFSI एटसेट्रा। सिम्बोसिस इंदौर हैज़ इम्पोर्टेड स्पेशलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग मशीनरी फ्रॉम जर्मनी टू इम्पार्ट हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू इट्स स्टूडेंट। माना जाता है स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत पॉपुलर कॉलेज है हमारा इंदौर का ये, ठीक है। अप्रूव्ड की बात करें तो ये AICTE से अप्रूव्ड है और साथ ही साथ UGC से भी अप्रूव्ड है। कैंपस एरिया की बात करें तो 30 एकड़ के आसपास इसकी कैंपस एरिया है। नाउ आगे हम बात करने वाले हैं कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अवेलेबल कोर्सेज की बात करें तो BBA आप यहाँ से कर सकते हो, MBA कर सकते हो, BTech कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस IT में, मैगाट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, ठीक है, तीन ही ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल हैं। BCom ऑनर्स भी यहाँ से आप कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे, सॉरी फॉर डैट, फीस वगैरह फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो रियलिटी ये फीस की है। थोड़ा फीस ज़्यादा लेता है ये कॉलेज बिकॉज ये कॉलेज थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, काफ़ी सारी कंपनी से टाई अप किया है जो कि स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है। सो थोड़ा सा फीस इसलिए कॉलेज का ज़्यादा है। बट BE/BTech की बात करें तो 2.6, अरे सो स्किल डेवलपमेंट काफ़ी सारे टाई अप के कारण थोड़ी सी फीस बढ़ जाती है कॉलेज का, यही रीज़न है। आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रियलिटी क्या है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल जाता है सीट कम होने की वजह से, क्योंकि हमने देखा BE/BTech में तीन ही ब्रांच हैं, सीट कम होने की वजह से ये IIT और 75% मार्क ये मांगते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। सो ये सब चीज़ें पर आप ध्यान देना, तो ये सब इसकी मेन फैक्ट है। नाउ आगे हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कॉलेज जाकर देख सकते हो। लेटेस्ट 2020 का कोई रैंक वगैरह फिलहाल तो नहीं है, इसलिए मैं इसे ब्लैंक कर रखा हूँ। मिसलिनियस की बात करें तो ये सब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यार दो तीन बार वीडियो ख़राब हो चुका है इसलिए आपको पसंद नहीं आ रहा होगा वीडियो, मैं बहुत
तेजी से चीज़ें बोल रहा हूँ। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ गर्ल्स का दोनों मिल जाएगा, मॉडरेट लेवल की हॉस्टल फैसिलिटी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी कॉलेज अप्रॉक्सीमेट लेवल पे है, मैनेजमेंट भी मॉडरेट है, नॉट टू गुड। स्किल टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इसको आप अप्रॉक्स काट कर गुड कर लेना, जो कि इसी के लिए कॉलेज फेमस है। बेस्ट डिपार्टमेंट CSIT, मेगाट्रॉनिक्स, MBA और BBA हैं। आगे हम इसको फीडबैक देने वाले हैं, तो व्यूवर्स के फीडबैक कुछ मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कॉलेज कैसा है। तो मैं यहाँ पे फीडबैक्स पढ़ के नहीं बताने वाला, क्योंकि दो तीन वीडियो, जैसे कि मैं बताया, वीडियो मेरा ख़राब हो चुका है बनाने टाइम, तो यहाँ पे मैं फ्लैश करा दे रहा हूँ, आप चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। कौन बंदा क्या कहना चाहता है, आपको इस कॉलेज का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो ये एक दो मैंने स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पे छुपा कर रखा गया, क्योंकि शेयर करना मुझे भी अलाउ नहीं है। सो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप इस कॉलेज के बारे में, मेरे पास जो फीडबैक्स आए, वो बंदे इस कॉलेज के बारे में ये सब कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट में हम इस कॉलेज का